जो कल आ रहा है जीजू जी कहिदा ठेठ अवधि शब्द है। हाँ, मैं पहली बार अवधि सॉन्ग किया हूँ, तो मैं चाहूँगा कि जितने मेरे गाने को कितना सारा आप लोग प्यार दुलार आशीर्वाद देते हैं, ऐसे ही इस गानों को भी प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए। और मैं चाहूँगा कि 100 मिलियन, मेरा अभी तक का सब गाने, बहुत सारे गाने 150 मिलियन गए हैं, इस गाने को भी इतना प्यार दुलार दीजिए कि अभी 100 मिलियन ऊपर जाए। जीतू जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है, और हम ये जानना चाहेंगे आज आप कहाँ पे हैं और क्या नया अनाउंसमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले भोजपुरी देखने वाले और सुनने वाले को मेरा प्रणाम। और हम लोग आज हैं, एक गाने कल हम लोगों का आ रहा है, भोजपुरी गाने, एक तीन लोग काम किए हैं, सीता गीता और ममता और पहली बार मेरे साथ काम किए हैं सब, बहुत ही अच्छा काम इन लोगों का है। और आज हम लोग बैठे हैं आईफाई म्यूजिक वर्ल्ड में, और टीजर आज सुबह रिलीज हो चुका है और कल उसका पूरा फुल वीडियो आएगा। भोजपुरी में मेरा मैंने हम लोग कुछ अलग किया, पहले भोजपुरी में सब बदनाम है, जीजा साली देवर भौजाई, तो हम लोग सोचे कि इस बार कुछ नया करते हैं। जीजा साली का गाना है, लेकिन आप वीडियो देखोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि इसमें थोड़ा सा भी अश्लील है और थोड़ा सा भी वीडियो में कुछ भी हो। प्रयास ऐसा किया गया है कि जितने इसमें हैं काम किए हैं बहुत अच्छे लोग हैं, और काफ़ी मैं पहली बार देखा तो बोला क्या एक्टिंग करेंगे लोग, तो मैं घबरा रहा था कि काम करते समय जब सीता जी का एक्टिंग देखा मैंने कि कितना अच्छा कर रही हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं काम, तो मैंने एक एक चीज़ें गेस किया कि मतलब और अच्छा करते हैं, और अच्छा करते हैं, जैसा मैं सोचा नहीं था कि इतना अच्छा एक्टिंग कर सकती हैं, उससे मतलब समझे कि 100% अच्छा एक्टिंग की है। और ये वीडियो ऐसा है कि कोई भी, मैं अपनी बहन को भी दिखा सकता हूँ तो भी मेरी बहन को गर्व होगा कि मेरे भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं, ऐसा वीडियो बनाया, थोड़ा सा भी अश्लील नहीं है, एक भी क्लिप उसमें मतलब उसमें ऐसा नहीं आपको दिखेगा कि आपत्तिजनक है। बाकी ये सब बताएंगे कि इनको कैसा लगा इनका वीडियो। सीता जी, आपसे जानना चाहेंगे, फर्स्ट आपका एल्बम है एकेडमी के थ्रू, आपने क्या जो सीखा हो और वहाँ पे जो पहली बार कैमरा फेस किया? पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था, फिर मुझे आदत पड़ गई, फिर मुझे लगा कि नहीं कॉमन है, तो फर्स्ट टाइम था तो मुझे थोड़ा सा नर्वस थी कि कैसे होगा, मैं कैसे करूँगी, तो जब मेरा पहला टेक लगा तो मैं बहुत डरी थी। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब एकेडमी में जैसे होता था, जैसे सिखाते थे सर, वैसे ही ये भी हैं, बड़े प्यार से मुझे सिखाया, मुझे बताया ऐसे आओ ऐसे करो, और फिर मुझे एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैं अलग जगह पर आई हूँ या फिर मेरा फर्स्ट ऐसा है या फिर न्यू है, मुझे अकेला फील बिल्कुल नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ, मुझे सब अपनों के जैसे, और स्पेशली इन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया, मुझे बताया, मुझे सपोर्ट किया। मैं सोचती थी कि ऐसा होगा वैसा होगा, चिल्ला के बात करेंगे, मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं नर्वस हो जाऊँगी, कहीं मैं रुक गई, मैं कुछ कर दी, तो डर था वो। पर जब मैंने देखा कि नहीं, ये अच्छे से एकदम प्यार से अपने बच्चों की तरह मुझे बताए सिखाए, तो फिर उसके बाद सब अच्छे से होने लगा। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमारे जीतू सर बहुत ही अच्छे हैं, जैसे सीता ने कहा, एकदम नया नया कुछ अलग ही भोजपुरी में देखने को मिला, मतलब सेट पे अलग ही एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू जीतू सर, और हमारे डीओपी सर, प्रतीक सर हैं, कोरियोग्राफर सर, सबको थैंक यू, बहुत ही अच्छा गाना था, और यही कहना चाहेंगे बस, आप लोग प्यार दीजिएगा इस गाने को। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम, आई एम नमस्ते, हेलो, और ये फर्स्ट टाइम था मैं कैमरा फेस की, एंड ज़रा सा भी मुझे ये फील नहीं हुआ कि ये फर्स्ट टाइम है, क्योंकि जीतू सर, बाकी मेरे सारे टीम वाले जो भी थे, डीओपी सर जो भी, मतलब एंड ऑल जो सब टीम वाले, बहुत अच्छा सपोर्ट किए, और जैसे कि फर्स्ट टाइम था तो हम सब तीनों नर्वस थे, फर्स्ट टाइम है, क्या गलती होगी, डर लग रहा था कि कुछ गलती कर दिए तो जीतू सर चिल्लाएंगे, पर रियली जीतू सर के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू जीतू सर, आपने सेट पे हमें इतना सपोर्ट किया, बस आप सभी लोग का प्यार चाहिए इस गाने पर, धन्यवाद। अभी गाना आपने वीडियो देखा, फाइनल आपने देखा, यस, तो क्या लगा आपने, जो सोचा था, जो एक्ट करने के टाइम आपके दिमाग में चल रहा था, अभी आपने फाइनल वीडियो देखा, जरा सा भी ये मतलब
विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम लोग ने इतना अच्छा किया एक्चुअली में, कि मतलब सभी मेरे पूरे टीम वाले का सपोर्ट, जीतू सर सबका इतना प्यार मिला, इतना उधर सपोर्ट मिला ना कि एक्टिंग ऐसे हो रही थी, मतलब ऐसा लगा कि नहीं होगा नहीं होगा, पर एडिटिंग के टाइम हमने सारे वीडियोस देखे, हम बहुत अच्छा है, बस आप लोग का प्यार मिलना चाहिए और रियली भोजपुरी में कुछ अलग हुआ है, तो प्लीज़ आप सभी का प्यार मिले, थैंक यू। जो सिंगर हैं दिवाकर द्विवेदी जी, पॉपुलर अवधि के फेमस सिंगर हैं, फोक सिंगर हैं, उनके साथ में आपने स्क्रीन शेयर किया। मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम मिली उनसे तो होता नहीं कि अनजान होते हैं तो ऐसे दूर दूर, फिर उसके बाद सब ठीक हो गया तो सेट पे हम लोग बैठ के बातें किए, तो जो मेरा डर था थोड़ा हेजिटेशन नर्वस तो मैं धीरे धीरे कम की, फिर ऐसा लगा कि नहीं मेरे जीजू हैं, फिर मुझे फील होने लगा, फिर और अच्छे से हुआ, स्क्रीन शेयर हुआ। जीतू जी क्या कहना था दिवाकर जी का? मैं पहली बार फर्स्ट वीडियो किया हूँ, काफ़ी दिन से बातचीत होती थी लेकिन हम लोग काम नहीं कर पाते थे, तो मिले मुंबई आए तो हम लोग बोले कि ठीक है, तो भैया से मिलवाए हमने, तो भैया भी अवधि का बहुत इज्जत करते हैं और भोजपुरी के बहुत बड़े सुपरस्टार रह चुके हैं अवधि के, तो हम लोग बोले कि कुछ अच्छा करते हैं हम, इनको लेकर हम लोग 25 गाने बड़े लेवल पर कर रहे हैं और अभी कंटिन्यू इनका गाना आ रहा है और अच्छे गाने आएंगे, जो भी आएंगे सब अच्छे, एक से एक बढ़िया गाना आ रहा है और साफ़ सुथरा हम लोग कोशिश कर रहे हैं गाने के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इन लोगों को कि मेरे साथ काम की, इन लोगों के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अभी तक मैं कम से कम 20 बार वीडियो देख चुका हूँ, मुझे लग ही नहीं रहा कि मेरे सामने मेरे बगल में तिल बैठी है। मैं दिल से दुआ देता हूँ, करता हूँ कि आप लोग बहुत बड़ी स्टार बने और अपना घर का नाम रोशन करें, मम्मी पापा का नाम रोशन करें, इससे भी बेटर वीडियो करें और इससे भी बड़ा वीडियो करें। जीतू जी बात करें, जैसे जीजा साली का नाम आता है, देवर भाभी का नाम आता है, तो एक अलग इमेज और एक अलग विजुअल जाता है, ऐसे में आपको जब एक गाना फंसा, इसको कोरियोग्राफी किया तो आपने एकदम टोटली चेंज किया, तो कहाँ से थॉट आया कि नहीं कुछ डिफरेंट करना है? कैसे? मैं योगेश भैया को बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा इस गाने में और हम लोग भोजपुरी तो ऐसे ही बदनाम है, रोज डेली कुछ ना कुछ अश्लील रोज आ रहा है आजकल, हम लोग सोचे कि जीजा और साली के नाम सुन के सब लोग बोलते हैं कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि हम देख नहीं सकते फैमिली में, तो हम लोग सोचे कि नया क्रिएटिव करते हैं कि कुछ नया करते हैं भोजपुरी में, तो हम लोग सोचे कि कुछ इस टाइप का करते हैं, हमको पता है कि वीडियो देखने बाद कुछ लोग बोलेंगे अरे क्या किया क्या नहीं किया है, लेकिन जो अच्छे देखने वाले हैं और अच्छे सुनने वाले इस वीडियो को काफ़ी पसंद करेंगे। जो ये म्यूजिक वर्ल्ड है और उनका अपना अकेडमी है, क्या कहना चाहेंगे म्यूजिक और जो योगी मिश्रा जी ऑनर हैं? बहुत मैं पहले नंबर तो पहली बार इनके साथ काम किया हूँ, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि मेरे ऊपर थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं दिए थे कि तुम काम निकालो चाहे जल्दी करो, बोले बाबू तुमको जो अच्छा लगे करो, शिफ्ट बढ़ने दो, जितना भी अगर नहीं सूट हो पाएगा तो कल करेंगे, लेकिन काम जो भी है अपने हिसाब से करो, मतलब प्रेशर मत लेके काम करना, जहाँ प्रेशर नहीं होता वहाँ पर काम अच्छा होता है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे उस काबिल समझा और अपने प्रोडक्शन में काम दिए मुझे करने का, और आजाद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने बोला कि भैया इनसे भी काम कराइए, बहुत अच्छे काम करते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद योगेश भैया का कि आपने मुझे उस काबिल समझा और यहाँ पर आया। यहाँ के जितने बच्चे अच्छे हैं ना, मैं बता रहा हूँ कि सेट पे अगर कुछ भी जरूरत पड़ता था, ऐसे तो मैं किसी प्रचार करता नहीं था, मुझे प्यास ज़्यादा लगती थी क्योंकि मैं बहुत भागा भाग करता था, खाली बोलता रहे कोई पानी पिला दो क्या, वहाँ पे चार चार स्पोर्ट बॉय भी थे लेकिन उन लोगों की जरूरत नहीं पड़ती थी, इतने अच्छे संस्कार यहाँ के बच्चों में है कि तुरंत पानी ला के देते थे। मैं बोला अगर सही वाकई में मैं जब भी ऑफिस पर आता हूँ नीचे अगर कोई मिलता है तो तुरंत, मुझे इतना अच्छा लगता है, मतलब ऐसे संस्कार अगर सब में हो तो भोजपुरी आज हमारी कहाँ से कहाँ जाएगी, और यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ के जितने लड़के हैं जिस दिन बनेंगे ना, मतलब इतना बारूद बनेंगे और इतने अच्छे एक्टर बनेंगे, मुझे यकीन है क्योंकि मैं पहली बार इन लोगों के साथ काम किया हूँ, तो मुझे लगा कैसा है, नेक्स्ट टाइम में जो भी हम लोग करेंगे इससे भी बड़ा लेवल पर काम करें और इससे भी बड़ा वीडियो करेंगे और कुछ नया करेंगे, और अभी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं तो हम चाहेंगे कि इसके भी देखते हुए हम लोग काम किया जाए, कि इनको भी माँ बाप अगर कहीं भेजें किसी एकेडमी में भेजें कुछ अच्छा करने के लिए,
तो कम से कम इनके माँ बाप भी देखें तो लगे कि मेरी बेटी जो कर रही बहुत अच्छा कर रही। बहुत लोग भोजपुरी के ना पा रही, मेरी बेटी भोजपुरी करते हैं, छोड़ो बहुत अश्लील है, बहुत पूरा ये है वो है। तो मैं बोला कि इसको कुछ अलग करते हैं। अभी मुझे जहाँ तक उम्मीद है शायद अगर एक कहीं अगर घर पे भाई को भी दिखा देंगे तो उनका भाई ये नहीं बोल सकता तुम क्या करके आई हो। तो मेरा ये सोच है कि कोई भी काम करे तो लगना चाहिए कि मैं क्या काम किया हूँ। मेरे भी घर पे मान चलिए माँ बहने हैं, बहन है, तो उसको भी लगना चाहिए कि मेरा भाई अगर इंडस्ट्री में गया तो क्या करता है। तो वो चीज़ लेके मेरा भी कोशिश रहेगा कि कोई भी काम करो तो अश्लील कुछ भी ना हो वीडियो में और ना कुछ ऐसा काम करिए जाए, कुछ भोजपुरी में अच्छा किया जाए और बेटर बनाने की कोशिश किया जाए। सबके साथ काम किया हो, सबके साथ अच्छा अनुभव रहा। भोजपुरी में अभी कोई बचा नहीं है, शायद जो नए आए हैं वही बचे होंगे। बाकी पवन भैया के साथ भी अच्छा लगा काम करके, समर सिंह के सही काम करके अच्छा लगा, कल्लू जी के साथ काम करके अच्छा लगा, सुबीर शर्मा जी के काम करके अच्छा लगा, अक्षरा जी का भी काम किया उनके साथ भी अच्छा लगा, केसारी जी के साथ काम किया, काजल अगवानी जी के साथ काम किया उनको भी अच्छा लगा, मनोज तिवारी जी के काम किया उनका भी अच्छा लगा, दिनेश भैया का भी काम किया, सबके साथ जितने लोग काम किए सबके साथ काम करके मुझे अच्छा लगा। सब अच्छे हैं अपने अपने जगह पर। सीता जी आप ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगी? मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, इस सॉन्ग को प्यार दीजिए, और मतलब सच्ची में ये बहुत अलग है, मतलब हटकर है, सारी चीज़ों से हटकर है। मैंने जितने भी भोजपुरी देखे हैं जीजू साली के तो उनसे हटकर ही है। मैं ये चाहती हूँ कि ढेर सारा प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए कि लगे कि हाँ इस गाने को बहुत सारा प्यार मिला है। थैंक यू जी, आप कह सकते। बस यही कहूँगी कि आप लोग इस गाने को ढेर सारा प्यार दीजिए। हम लोगों का नया नया काम हम लोगों ने किया है, नया नया एक्सपीरियंस मिला है, तो हम लोग को बहुत सारा प्यार दीजिए, आप लोग का प्यार मिले, बस आपसे उम्मीद है। मैं भी बस ये कहना चाहूँगी आप सबका प्यार सपोर्ट बने रहे, तो जैसे सर ने कहा 100 मिलियन हो, तो आप सबका प्यार बने रहेगा तो पक्का 100 मिलियन हो जाएगा बस। और फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया है तो छोटी मोटी गलती हो गई होगी तो माफ़ कर दीजिए, और प्यार ऐसे बनाए रखिएगा। थैंक यू।